तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज जो है हम लोग बीएससीबी यानी बिहार बोर्ड जो 2023 में अभी बोर्ड का एग्जाम लेकर आ रहा है 14 फरवरी से, उसके लिए कुछ गेसिंग क्वेश्चंस है और सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी के लिए आपको बता दे कि ऐसे मतलब कि नेचुरली बहुत सारे जगहों पर हिंदी की पढ़ाई नहीं हो पाती है, जबकि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और ये विदेशों में भी अब फैल रही है धीरे धीरे। तो हिंदी जानना उतना ही जरूरी है जितना मैथ है या जितना अदर सब्जेक्ट। तो उसमें नंबर अच्छे कैसे आए, तो सबसे पहले तो आपके हाथ में जो पेपर होगा उसमें 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बनाओगे जिसमें 100 रहेगा और 50 आपको बनाना है। लेकिन इसके अलावा सब्जेक्टिव में पहले गद्यांश आएगा, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर आएगा वो 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 5 लिखना हो या 8 लिखना हो, ठीक है ना। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि लेटर्स है, ऐसे यानी कि निबंध है, बहुत सारी चीजें। तो उनकी जो हमने गेस किया है उन सभी क्वेश्चनों पर एक बार नजर डालेंगे वन बाय वन करके, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल टकराने वाला क्वेश्चन। तो चलिए कहने का तो आते हैं हम क्वेश्चन पर, है ना। और क्वेश्चन नंबरिंग सिरा से यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको इन सब क्वेश्चनों पर फोकस करना है। चलिए आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि रगंबा जो था वो कौन था और वो मगंबा से क्या चाहता था। ये सेकंड हिंदी का क्वेश्चन, आप हिंदी का बुक 2 पढ़ रखे होगे, उसमें एक क्वेश्चन तो आपको मालूम होगा, जो साल भर पढ़े उनको ऑलरेडी याद है, लेकिन जो नहीं पढ़े उनके लिए बता दे कि देखिए ये क्या था कि ये तो स्वभाव से मतलब जुआरी था, गांव जवार में एक्स्ट्रा टाइम अपना व्यतीत करता था जैसे नेचुरल लोगों का होता है। और वो अगर इसकी पीछा करेगा तो सिंपल सी बात है कि ऐसे लोग समाज में बेकाम के होते हैं, बेगारू, इनको पैसा वगैरह रुपये की जरूरत होती है, तो ये किसी का चेस यानी पीछा क्यों करेंगे भाई, उनसे कुछ तो फायदा होगा, लेना होगा, और रुपया उपया के लिए ज्यादातर चेस कर रहे होंगे, पीछा कर रहे होंगे। और ये जो मगंबा है ये बेचारी दही बेचकर अपना जीवन यापन कर रही है, यहाँ तक कि सास भी के रोल की हुई तब पतो इनको देखने के लिए तैयार नहीं है, बेटा ऐसा जन्मवा दी है कुपात की वो अलग काम में, तो इस सिचुएशन में कैसे भी जीवन यापन कर रही है और ये इसको अपने ठगने के चक्कर में। तो इस प्रकार की नेचुरली भाषा में आप जितना हो यथाशीघ्र अपनी भाषा में आंसर लिखोगे तो वो हर राइटर समझेगा कि आप किताब को पढ़े नहीं पूरे पी गए हो, ये यदि यथाशीघ्र अपने मतलब की भाषा में आंसर लिखना। चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि दही वाली मगंबा के कथा का वाचक कौन है और उसका परिचय दीजिए। तो दही वाली मगंबा का जो कथा वाचक है वो कौन था, श्रीनिवास। तो श्रीनिवास इसके जो है कथावाचक थे। और यह श्रीनिवास का अगर परिचय दिया जाए तो वो कहाँ के रहने वाले थे, कब उनका जन्म हुआ, ठीक है ना, उनका स्वभाव क्या था, है ना, उनका जो पाठ परिचय दिया रहता है, कोई भी पाठ सेकंड हिंदी चालू होगा तो देखिएगा पहले आप उलट कर बुक में, तो उसका परिचय होगा तो कम से कम 5-7 लाइन, वो कहाँ के थे, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु अगर हो गई हो तो मृत्यु कब हुआ, ठीक है ना, उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी थी, शिक्षा दीक्षा कैसा, ऐसे लिख देना, ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्योंकि ये जितने क्वेश्चन हमने लिखा है ये सब 2 नंबरी क्वेश्चन हमने अब लिखा है, जिसमें से आपको 10 टकराएंगे, हम तो 20 लिखे और कन्फर्म टकराएंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि मगंबा यानी मगंबा जो है, मगंबा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। अरे जो कल्याण पढ़ा होगा जानता होगा कि इसका सबसे बड़ा विवाद का कारण पतो, और पतो आज की पतो सब ऐसे ही आ रही है जो सास और बहू में फट नहीं रहा, तो इस सिचुएशन में पतो से लफड़ा हर सास को है, हर सास को पतो से प्रॉब्लम है, हर पतो को सास से प्रॉब्लम, यहाँ भी सिचुएशन वही है। अब वो पतो अपनी बेटा को मार रही है लेकिन सास के सामने मारेगी तो सास थोड़ी देख पाएगी, बिल्कुल नहीं देखेगी, तो सास से बर्दाश्त नहीं होता है तो रोकती है और वो उसके उपरांत तो बोलबे करेगी ना पतो को। अब वो पतो लेकर बैठ जाती है और जिसके कारण अनबन हो जाती है, बोला चले बन, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को भी भड़का देती है, और बताओ एक हस्बैंड को उसी के माँ के पति भड़का देती है, और आजकल के साला हस्बैंड वो बीवी का सब गुलाम उसको समझो, जिसको हमारी अगर भाषा में कह जाए, हम लोग भोजपुरी भाषा है तो उसको मऊ मेहर कहते हैं हम लोग। चले आगे देखते हैं। तो लक्ष्मी कौन थी और उसकी पारिवारिक जो स्थिति थी उसका चित्र प्रस्तुत करना, आपको याद होगा, आपको याद होगा कि लक्ष्मी कौन थी और उसकी पारिवारिक स्थिति है। अरे भाई लक्ष्मी वही थी जिसका लक्ष्मण से शादी हुआ और वो एक मतलब कि उड़ीसा के गांव में उनका शादी जो हुआ वो कहने का अपनी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए बहुत ही संघर्षशील एक महिला का उदाहरण दी, जो कष्ट और विपत्ति में भी कभी घबराती नहीं, डट के सामना करते, जबकि हस्बैंड कलकत्ता कमाते रहता
और एक बेटा है, मतलब पुत्र गोदी में भी है, और दोनों को लेकर जीवन यापन कर रही है। और वहां बाढ़ की सिचुएशन को दर्शाया गया, कैसे बाढ़ आता है, कैसे उसे सामना करती है, ये सभी उसके जीवन में जो उतार चढ़ाव आता है उसको लिखना। पूरे कहानी तो लिखना नहीं, भैया दो नंबर की बात, दो नंबर, अरे यथाशीघ्र 40 से 50 शब्द, अरे बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर देना सरकार पता है, 3 घंटे 15 मिनट तो ऐसे हटा देता है, और उसमें ऑब्जेक्टिव 1 घंटा कट गया, 2 घंटा में आपको रगड़िए। अब एक क्यों क्वेश्चन फंसे तो कैसे होगा, सब देखना। आगे देखिए, डरते विश्वास जो था, ये डरते विश्वास के शीर्षक की कहानी की शीर्षकता, अब देखिए इसका शीर्षक है डरते विश्वास। देखिए डरना मतलब निरस्त हो जाना, एक इंसान होता है कि लगातार मेहनत करता है, लगातार कोई काम में है, कोई क्षेत्र में है, और उसके बाद उसका वो काम नहीं हो पाता, यानी कि उसका जो विश्वास है वो निरंतर अब निरस्त होते जाता है। अब वो मतलब कि मन से कुपातित हो जाता है, और मतलब अब सोचता है कि छोड़ देते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं, उसको जब तक जिसमें जान और सांसें चल रही है तब तक निरंतर मेहनत करना एक व्यक्ति का दायित्व होता है। तो डरते विश्वास के द्वारा इस चीज को दृश्य को सार्थक किया गया है। कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में, अरे भाई बाढ़ का दृश्य, जरूरी नहीं है कि वहीं पर बाढ़ आया। हम लोग जैसे कि मैं जहां भी टॉक कर रहा हूँ, ये सीतामढ़ी का जिला, सीतामढ़ी जो बाढ़ की स्थिति के लिए जाना जाता है, और आपको बता दें कि इस जिला में भी बहुत सारे पुराने लोग बाढ़ के दृश्यों को देखे हैं। बाढ़ जब भी आता है तो मवेशी, घर द्वार, फसल, हर चीज को बर्बाद कर देता है। तो आपको अगर बाढ़ के दृश्य का वर्णन करना है, तो अगर एक व्यक्ति एक बच्चे स्टूडेंट 10th की अगर लिखे तो उनको तो समय बीत जाए, लेकिन बाढ़ खत्म नहीं। उसी में से आपको दृश्यों को, भयंकर दृश्यों को वर्णन करके 20 से 25-30 वर्ड लिखकर बेला पार कर लेना है, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन है, 2 नंबर के हिसाब से लिख देना है, समय को मद्देनजर रखते हुए। आगे है कि माँ कहानी के आधार पर माँ की ममता का वर्णन करें। अब बताइए माँ, माँ कितना पवित्र शब्द, माँ से ही जिंदगी की शुरुआत और माँ पर ही खत्म हो जाती है। एक इंसान के जिंदगी में माँ का अहमियत तो क्या बताया जाए, जितना बताएंगे हम अभी वो कम होगा, और वीडियो उतना ही लंबा जाएगा। इसलिए शॉर्टकट में बता दें कि माँ के अंदर ममत्व तो उतना ही होता है जिसका कोई मतलब सीमा ही नहीं। वो अपने बाल बच्चे को, बेटा बेटी को एक ही नजर देखती है, लेकिन फिर भी आपको बता दे कि जो अगर 3-4 पुत्र पुत्री है, उसमें से अगर एगो पागल निकल जाए, एगो बताह निकल जाए, गुंगी निकल जाए या गुंगा निकल जाए, तो माँ का प्रेम तो उसके प्रति ज्यादा आएगा ही ना, क्योंकि कहने का मतलब है कि और बच्चे तो अपने जीवन यापन कर लेंगे, उसको कौन देखेगा। और खासकर हम लोग के समाज में ऐसा देखा जाता है, 3-4 बच्चों में जो सबसे छोटका होता है घर परिवार में सबका लाडला होता है। अब कारण है कि वो बाद में आया है तो उससे प्रेम ज्यादा रहता है और थोड़ा मासूमियत उसके अंदर रहता है। तो इस प्रकार से एक माँ के ममता का वर्णन करना है ना, तो माँ के ममता का वर्णन हो गया। आपको कहने का क्वेश्चन नंबर क्या था, अभी जो है हम लोग क्लास जो है कि क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जिसमें कहा है कि माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों कराना चाहती है। अरे भाई क्यों नहीं कराना चाहती है, तो क्यों करेगी अस्पताल में भर्ती, जिस इस माँ को अपना ट्रस्ट और विश्वास जो घर पर है वो अस्पताल के लिए नहीं है। उनको लगता है जैसे मवेशियों को अस्पताल में रखा जाए तो वैसे मेरी बेटी को और पुत्री को रखेगा सब, तो हम वैसा क्यों करेंगे, हमें बेटी ठीक हो या ना जो होगा आपके सामने हो, समझे ना, तो आपके सामने ही रखना चाहती है, इसलिए घर पर रखना चाहती है। अस्पताल की जो बड़ व्यवस्था है, सिचुएशन उनको पसंद नहीं है, इसलिए माँ को घर पर ही उसको रखना चाहती है। आगे है कि कले कदर की पपाती कौन थी और वो शहर क्यों जाना मतलब लाई गई, इसका आप आंसर देखिएगा कि पपाती कौन और शहर क्यों लाई। आपको कले का धरती कब तक घूमेगी, ये कहानी की सार्थकता स्पष्ट करना है। अरे भाई आपको ये धरती चैप्टर, धरती कब तक घूमेगी, किस चैप्टर का नाम ही है। तो यहाँ तक हमने जो 10 नंबर तक क्वेश्चन रिपीट किया है, ये सब आपको फर्स्ट हिंदी मतलब एक तरह से जो पतला वाला बुक आता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। जाति प्रथा बेरोजगारी का एक सबसे बड़ी कारण, इसको भीमराव अंबेडकर ने अपने चैप्टर के द्वारा आपके सामने प्रत्यक्ष किया। तो ये कहने का प्रत्यक्ष में आपको जानना है कि जाति प्रथा क्यों बनी हुई है, बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण, इसका आंसर आपको लिखना आ गया है। कहने का भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है स्पष्ट करें। अरे भारत ऐसा देश और संप्रदायिक धर्म विचार से जो देश है, ऐसा दूसरा कोई देश ही नहीं। तो भारत सभी देशों को जोड़ता है, सभी के अपनत्व को मिला के चलता है। इतना धर्म होने के बाद भी हम एक हैं,
है ना, इतनी भाषा है, इतने तरह का खान पान, इतने तरह का वेशभूषा, बोलने के बाद भी जब हम मिलते हैं ना तो एक जैसे हो जाते, एक जैसे हो जाते। खाने का बहुत पुराना एक मतलब गीत याद आ रहा है कि आपको बता दे कि मनोज कुमार फिल्म का गाया हुआ गीत था कि पानी के बारे में बता रहा है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दू लगे तुझ जैसा। मतलब गाना का बोल ये था कि पानी को आप जिस रंग को मिलाते हो वही रंग का हो जाता है, यानी पानी कलरलेस, रंगहीन होता है। पानी जो होता है वो क्या होता है? कलरलेस। और भारत जो हमारा देश है ना, इसी तरह से ये जहां जाता है ना तहां पर छा जाता है, ये हमारा देश ऐसा है। तो इसको मिलिए कोई मतलब डिफरेंट वाली बात नहीं है। तो इसमें कहने का भारत के अतीत जो हमारा भविष्य मतलब बीता हुआ एशियन टाइम है, वो टाइम सुदूर को आज के वर्तमान के समय को जोड़ता है। अगर वो नहीं रहता कल्चर सभ्यता तो आज जोड़ता नहीं, समझे ना। आगे है कि बहादुर पर ही चोरी का आरोप लगाया जाता है, लेकिन क्यों लगाया जाता है और आपको देखो इस पर जो है उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है। भाई बहादुर पर तो ऑलरेडी है ना आरोप लगेगा, क्योंकि तो नौकर है। अब कोई अपने बाल बच्चा पर, अपने भाई पर अगर कोई भी आरोप लगाता तो उसे रिश्ता ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, जो एक खून का रिश्ता है तो वो तो लगाएगा नहीं। अब बहादुर पर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो भाईली लड़का है, चलियो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बहादुर पर ही आरोप लगता है। और इस पर असर यह होता है बहादुर पर असर कि वो भी इमोशनल लड़का रहता है, बहुत भावुक रहता है, वो भी वहां से निकल कर चल देता है, तो बहादुर पर यह असर होता है, समझ गए ना। नेक्स्ट जो है बहादुर के बाद जो क्वेश्चन है वो ये है कि पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज का क्या फर्क पाते हैं, पुराने समय के जो नर्तकी और नर्तक थे और आज के समय जो नर्तकी नर्तक है उसमें अंतर, अब आप समाज में देख रहे हो क्या अंतर है। सबसे पहले तो अगर हम विचार करने लगे तो बहुत सारी बातों को वर्णन कर देंगे, पहनावा से लेकर और म्यूजिशियन जो है इंस्ट्रूमेंट है, पुराने समय का अलग वाद्य यंत्र सब था, उसकी ध्वनि कुछ अलग थी और आज की अलग वाद्य यंत्र। तो इस तरह से नर्तकों में भी तो परिवर्तन आएगा ना, उनका वो नाच सब भरतनाट्यम कथकली वो सब नाच और आज का दृश्य और उन्हीं पर पुराने ही समय के नर्तकों को फॉलो करके आज जो है लोग अलग अलग कंपार्ट का दृश्य और डांस सीख रहे हैं। तो इसका अपना क्वेश्चन लिखना है, कह रहा है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। भाई गांधी जी के हिसाब से बढ़िया शिक्षा जानते हो, गांधी जी का नाम था कि देखिए आप किसी भी क्लास का जो लेखन कला आप जो एक ज्ञान लेते हैं वो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कम से कम अपने व्यवसाय के हिसाब से कलात्मक ज्ञान भी लीजिए। घर पर जो क्रियात्मक इकाई है, घरों का काम, हाथ बटाना, पिताजी का हाथ बटाना, घर को चीजों को देखना, इससे शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा और साथ ही साथ शिक्षा जो ले रहा है वो लीजिए, यानी दोनों प्रकार की शिक्षा को मिलाकर जो लिया जाता था ना, इसको गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते थे, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं कहते थे। उनका भाई इस पर आरोप था कि किताबी ज्ञान नहीं, शारीरिक विकास होना चाहिए, व्यायाम तो आप एवरी डे करिए, ये सब बहुत प्रकार की बात तो कौन दर्शाया था। आगे है कि कहने का मतलब है कि रसखान ने माली और मालिन किसे कहा क्यों कहा। अरे भाई माली और मालिन, वन के माली और मालिन, पूरे सृष्टि के कार्यकर्ता और मालिक, अरे भाई कृष्ण और राधा जो बेखिकर घूम रहे हैं, समझे ना, तो उनको कहने का मतलब है कि उन्हीं पर लिखा गया है पोएम रसखान के द्वारा, और उन्हीं पर लिखा गया है जो एकदम प्योर भक्त थे कृष्ण। ऐसे कृष्ण के भक्त तो अगर आधुनिक युग की बात की जाए तो मीरा के बाद कोई हुआ, लेकिन उनका भी अपना है, तो उन्होंने अपने हिसाब से माली और मालिन कह दिया। आगे कह रहा है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया, और भाई उनको चोर कहा गया क्योंकि कविता का एक वर्ड होगा चित्त चोर, चित्त को चुरा लेते थे, नयन उनकी थी ऐसे देखने की दृष्टि, उनका जो मासूमियत, उनका हंसता हुआ स्माइली फेस क्यों नहीं अट्रैक्शन कर ले, तो इसलिए कृष्ण में अट्रैक्शन की जो प्रवृत्ति थी, और ऐसे ही प्रवृत्ति वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन समाज उनको भी अलग अलग प्रकार के दृष्टियों से देखता है, लेकिन वो सतयुग वो द्वापर युग की बात, उस सभी सब चीज ठीक है, भगवान है, सब चीज ठीक है, और वो होना चाहिए प्रवृत्ति। समाज में आप ऐसे बन के रहिए कि पूरा छा जाए,
आपको हर कोई पसंद करे, इस प्रकार से ही प्रवृत्ति और जीवन को जीना चाहिए। तो चित्त को चुराने वाले चोर थे वो, कोई धन दौलत चुराने वाले नहीं थे। माखन चुरा कर खाते थे, इसमें भी उनको मजा आता था। लीलाएँ थी, जो लीलाएँ को आज पढ़ कर हम लोग आगे इंस्पायर होते थे। आगे क्वेश्चन है कि नेताओं के बारे में कई बार प्रेमघन जो थे, प्रेमघन की क्या बुराई थी? अगर नेताओं के बारे में बहुत सारी राय होती है, वो प्रेमघन की भी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहने का तो है कि आपको भारत माता कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है? भारत माता जो ग्रामवासिनी है, ये भारत माता का चित्र खींचता है कि भारत माता आज अपने घर में प्रवासिनी बन गई, भारत माता का आज आचल मैला हो गया। आज भारत माता को हम लोग भारत माता पर ध्यान नहीं दे रहे, और उनका ध्यान यही है कि उनके द्वारा जो उत्पन्न किया हुआ है। हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारा क्या कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज का निर्माण पांच तत्वों से हुआ है। उसमें आपको पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, गगन यानी वायु, वायु है, और गगन यानी आसमान। तो ये पांचों तत्वों को मिलकर कोई भी पदार्थ और कोई भी शरीर का निर्माण हुआ है, और अगर उससे हम छेड़छाड़ कर रहे हैं तो फिर विनाश का तो स्थिति है। और भारत में तो वही ना, ये पांचों तत्वों का अगर हम सुरक्षा कर लेते हैं, यानी भारत माता की सुरक्षा, फिर वो कैद नहीं होगी। तो वो तो कैद से आजाद हो गई देश, लेकिन फिर भी आज हम अपने देश में प्रवासी बने हुए, आज हम दूसरे देशों का नकल करते हैं, अपने देशों के चीजों को इस्तेमाल करने से झिझकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमको अपने ही देश के सामानों को यूज करना होगा, इस्तेमाल करना होगा, ताकि हमारी जो मतलब की अर्थव्यवस्था है, हमारी इकोनॉमिक रेट है, वो आगे जाए। आगे है के कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? अरे भाई लगेगा, बचपन से देखते आया है, जवान हुआ है, बचपन से देखते आया है, जवान हुआ है उसके वृक्ष के सामने, और उसका जो बनावटी है वृक्ष का, जैसे कोई सैनिक तोप लिए और मतलब बंदूक लिए खड़ा, तो उसको तो चौकीदार लगता है। वो जब आता है नौकरी से अपने छुट्टी पर, तो वो बूढ़ा वृक्ष को देखकर उसको संतुष्टि मिलती है कि चलो मेरे दूर पर आज भी चौकीदार खड़ा है। लेकिन जब उस वृक्ष को कटा हुआ पाता है तो उसको बहुत अफसोस होता है। तो बूढ़ा वृक्ष को चौकीदार समझने का कोई भी इंसान है, घर में कहा जाता है, घर में चाहे कुछ भी हो, अगर एक बूढ़ा व्यक्ति घर में बैठा है तो वो 100 नौजवानों को मात दे सकता है। उसके पास जो ब्रेन होगा, वो जो बातें बताएगा, वो कभी ना कभी आपको कितना करोड़ों के कीमत से भी ज्यादा कीमत होगा जिसका कोई उपाय नहीं। वो बैठले बैठले आपको उपचार बता देता है, बैठले बैठले जीने के सलीके, बैठले बैठले तरीका बता देगा। वो तो बता देगा ना कि अगर आप एक जॉब प्रयोजन कर रहे हो तो जहां आपको 5,000 या 10,000 एक तरह इन्वेस्ट हो जाएगा बेकार में, वो ऐसा टिप देगा कि आपका 5-10,000 बचा सकता है। तो उसको पास क्या है? जीवन की अनुभव है, तजुर्बा, टैलेंट। तो उससे हमको राय लेना। तो इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चन हुए। नीचे आएंगे तो दो लेटर लिखे हुए हैं। एक लेटर कह रहा है कि अगर मोहल्ले में डेंगू फैल गया है, तो इस डेंगू को बचाने के लिए, मोहल्ले में डेंगू मच्छर काटने से फैलता है, तो उसको बचाने के लिए अगर आपको कोई लेटर लिखना है तो नगर पालिका के मेयर को लिखना है। मेयर को आप समझ रहे हो ना, अभी मेयर का पावर डेंगू फैल रहा है, उसको रोकने के लिए मेयर के पास पत्र लिखना है आवेदन। और आवेदन पत्र लिखने का तरीका अलग होता है। आवेदन पत्र में आपको सेवा में और जो भी है डिटेल्स महाशय सभी ने निवेदन करना पड़ता है। जबकि दूसरा क्वेश्चन है कि आप परीक्षा की तैयारी जो बोर्ड का है अभी आने वाला है 14 तारीख से फरवरी में हो रहा, तो उसकी तैयारी कैसे करो? मित्र को लिखना है, तो मित्र को आप बस उसका पता लिखोगे और प्रिय मित्र आप शुरू हो जाओगे कि मैं परीक्षा की तैयारी आपको इस तरह से कर रहा हूं। तो ये पत्र लिखने का तरीका थोड़ा सिंपल और आवेदन पत्र लिखने का तरीका थोड़ा भारी होता है। तो ये दो लेटर था। इधर हमने क्या किया है, कुछ गेसिंग निबंध। इधर पांच गेसिंग है। पहला है लोकतंत्र और चुनाव। अब लोकतंत्र और चुनाव के जो अभी दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, बिहार राज्य में चाहे कोई भी राज्य, उसके बारे में लिखना है। दूसरा राष्ट्रीय एकता, या फिर इसको भारतीय एकता भी आ सकता है, राष्ट्र भारत को ही कहेंगे, भारत में तो भारत ही राष्ट्र। तीसरा है कि जनसंख्या की समस्या और जनसंख्या विस्फोट, आज जनसंख्या बहुत बड़ा मुद्दा है। चौथा क्वेश्चन है नारी शिक्षा, यानी कि नारी शक्ति, नारी का सशक्तिकरण होगा, नारी में शिक्षा आएगा तो नारी की पावर बढ़ेगा। और पांचवा है बिहार में पूर्ण रूप से मद्य निषेध, यानी कि जो दारूबंदी पर हमेशा कार्यक्रम होते रहते हैं पूरी तरह बंद हो जाए।
तो उस पर एक निबंध लिखना है। तो ये पांचों निबंध लेखन है, ठीक है ना। तो ये सभी टकराने वाले क्वेश्चन है ना। इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लीजिए। इसके बाद आपको कुछ पोएम का भावार्थ लिखने आएगा, कुछ पोएम का क्या समझे, तो भावार्थ लिखने के लिए आएगा। बस इस प्रकार से तैयारियां करके, ऑब्जेक्टिव की तैयारी तो आप जानते हो, है ना। तो इस प्रकार की तैयारी करके बहुत अच्छे नंबर आप ला सकते हो। तो आपको बता दे कि ये इस साल के लिए है। इसको देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।